नमस्कार, वेलकम बैक। बंगाल वॉरियर्स बनाम यू मुंबा के बीच आखिरी कुछ मिनटों में मुकाबला हुआ रोमांचक, और शायद अगर अर्जुन देशवाल आखिरी के मिनटों में मैट पे होते तो परिणाम भी बदल सकता था। पर ये कबड्डी है और यहाँ कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आइए नजर डालते हैं यू मुंबा बनाम बंगाल वॉरियर्स मैच के 5 मुख्य अंशों पे। पांचवा, यू मुंबा को मनिंदर सिंह ने शुरुआती झटका दिया और यू मुंबा जल्द ही ऑल आउट हुए। बंगाल वॉरियर्स ने 6 अंकों की बढ़त बनाई जब स्कोर 13-7 था। अब यहां से वॉरियर्स को सिर्फ धैर्य से खेलते हुए बढ़त बनाए रखना था और उन्होंने ये बखूबी किया। चौथा, अगर पिछले सीजन में यू मुंबा के सुपर हीरो सिद्धार्थ थे तो इस सीजन में अर्जुन देशवाल भी कम नहीं है। पहले विड पे ही बोनस अंक के साथ 2 टच पॉइंट्स और शानदार सुपर रेड, और पूरे खेल के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए महत्वपूर्ण 14 अंक हासिल किए सिर्फ 18 रेड अटेम्प्ट्स में। और अगर आखिरी मिनटों में सुपर टैकल ना हुए होते तो शायद मुकाबले का परिणाम कुछ और ही होता। तीसरा, मनिंदर सिंह ने सूझबूझ के साथ एक कप्तान का धर्म निभाया और बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए महत्वपूर्ण 7 अंक हासिल किए। महत्वपूर्ण इसलिए भी रहे क्योंकि उन्होंने निशाना बनाया यू मुंबा के खतरनाक राइट कॉर्नर द बेस्ट फ्रॉम हरियाणा संदीप नरवाल को। मनिंदर लंबे समय तक मैट पे भी टिके रहे। नासी रेड में 65 रेड्स मनिंदर मैट पे थे। दूसरा, बंगाल वॉरियर्स के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुए सुकेश हेगड़े, जिन्होंने 2 मल्टीपॉइंट रेड्स करते हुए शानदार 8 अंक हासिल किए और बीसी रमेश के उम्मीद पे खड़े उतरे। सुकेश की बेहतरीन परफॉर्मेंस वजह बनी कि प्रपंजन की जरूरत वॉरियर्स को नहीं पड़ी। पहला, अर्जुन देशवाल और फजल अतराचल्ली ने वापसी की आखिरी 5 मिनट्स में। नतीजा 7 अंकों का वॉरियर्स का बढ़त खट के 1 अंक का हुआ, पर तभी अर्जुन देशवाल सुपर टैकल हुए और खेल वॉरियर्स के पक्ष में गया।